नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं करिश्मा। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो कि 7 सालों से विवादों में घिरा हुआ है। आपको बता दें कि यह परीक्षा 13,120 पदों पर हुई थी, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी अभ्यर्थी अभी आयोग के चक्कर काट रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी मेंस स्टोनो सभी कुछ संपन्न हो गया है, लेकिन काउंसलिंग अभी तक नहीं करवाया गया है। काउंसलिंग को लेकर लगातार अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं और आयोग से काउंसलिंग कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। आखिरकार आज अभ्यर्थी मानवाधिकार आयोग पहुंच गया और वहां एक लेटर जारी कर अपनी समस्याओं को बताया है। अभ्यर्थी क्या कुछ लिख रहे हैं आपको विस्तार से बताते हैं। इस पत्र में आप देख सकते हैं कि लिखा गया है, 7 साल बाद भी बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली पूरी नहीं होने के संबंध में सभी ने निवेदन है कि बिहार के सभी जिलों के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु 13,120 पदों के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सितंबर 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन 7 साल बीत जाने के बाद भी ये बहाली पूरी नहीं की गई है। पीटी मुख्य परीक्षा टाइपिंग स्टेनो और शारीरिक दक्षता परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब काउंसलिंग करवाकर फाइनल रिजल्ट प्रकाशित किया जाना है। 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। 7 सालों से काफी दुख दर्द को झेल रहे हैं, रात दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। बीएसएससी बार बार झूठा आश्वासन देकर परीक्षार्थियों को गुमराह करती रहती है तथा लगातार अमानवीय व्यवहार कर रही है। 19 सितंबर 2021 को बीएसएससी ने नोटिस जारी करके बताया था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है और ना ही काउंसलिंग की तिथि घोषित की गई है। इस कारण 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थी काफी हताश, निराश और तनावग्रस्त है। कई परीक्षार्थी आत्महत्या करने का प्रयास भी कर चुके हैं। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि 53,000 से ज्यादा परीक्षार्थियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार पर संज्ञान लेते हुए इस बहाली को जल्द पूरा कराने के लिए अपने स्तर से आवश्यक कदम उठाने की कृपया करें। दिलीप कुमार लिखा हुआ है इसमें, रामू कुमार, उसके साथ साथ रोहित कुमार, विकास कुमार और ये सभी अभ्यर्थी छात्र नेता दिलीप के साथ मानव अधिकार आयोग पहुंचे थे और वहां अपनी समस्याओं को रखा है। छात्रों का कहना है कि 7 साल बीत जाने के बाद भी आयोग उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। इसके साथ ही साथ उनका कहना है कि कई परीक्षार्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, कई छात्रों ने आत्महत्या की भी कोशिश कर ली है। आयोग जल्द से जल्द काउंसलिंग की डेट को घोषित करे। लगातार छात्र काउंसलिंग की डेट को लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन 19 सितंबर को एक लिस्ट आयोग की तरफ से जारी किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक काउंसलिंग की तिथि घोषित नहीं हुई है। आज गुस्साए छात्रों ने मानव अधिकार आयोग को एक पत्र लिखकर अपने समस्याओं को बताया है। अब देखना होगा कि इस पत्र के बाद क्या आयोग काउंसलिंग की डेट को जारी करता है या नहीं। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पर लाइक करना न भूले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।